हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिनसा टेक। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनसा टेक पे। दोस्तों आज की मैं इस वीडियो मत कर उत्तर प्रदेश की 69 चक्रवर्ती के संबंध में, उत्तर प्रदेश की 69 चक्रवर्ती में 800 रिलीज को लेकर लगातार अभ्यर्थियों द्वारा प्रयास जारी है कि किसी न किसी प्रकार से इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पद मिल जाए, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो या फिर कोर्ट के बाहर हो। लेकिन अब जो है एक चीज़ इस पर हो गई कि जो नियुक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो है मात्र कोर्ट। ठीक है, कोर्ट से ही आपको नियुक्ति मिलेगी, अन्य किसी माध्यम से आपको नियुक्ति मिलने की संभावना थोड़ी कम है। हालांकि अभ्यर्थियों द्वारा प्रयास जारी है और उसी प्रयास क्रम में यहाँ पर जो है जानकारी निकल के आ रही है सामने कि 5 तारीख से पहले यहाँ पर जो है नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद में जो जानकारी निकल के आ रही है सामने, तो उसकी यहाँ पर जो है असल वजह क्या है। दोस्तों यहाँ पर जो है जब माननीय ओ पी रावत से आज अभ्यर्थियों द्वारा मुलाकात की गई, तब यहाँ पर जो उनकी तरफ से एकदम स्पष्ट कर दिया गया कि यहाँ पर जो है हमने मुलाकात की थी और यहाँ पर अपना पक्ष जो है वो हम माननीय मुख्यमंत्री सर के सामने रखे थे, और उनसे बात करने के बाद उन्होंने यही कहा था कि जो मैटर है वो हाई कोर्ट में है। ठीक है, और यहाँ पर जो उनके द्वारा कहा गया था, आश्वासन दिया गया था कि हम अपने तरफ से सरकारी वकील करके इन 800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का काम करेंगे। बाद में आपको हम बयान सुना देंगे जो कि आज माननीय ओ पी रावत द्वारा दिया गया है। उनसे सुनने के बाद यही स्पष्ट हो रहा है कि सरकार जो है जो कोर्ट के बाहर कुछ भी नहीं कर सकती है। इस पर यहाँ पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो कोर्ट के बाहर थोड़ी संभावना कम है। उनके बयान से यही स्पष्ट हो रहा है कि कोर्ट के बाहर थोड़ा उम्मीद कम है, लेकिन यहाँ पर जो है कोर्ट में सरकार की तरफ से पूरी प्रमुखता से इस पर पक्ष रखा जाएगा और पूरी जोश और ताकत से इस 800 अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र देने का काम किया जाएगा और पक्ष रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो इस बयान के बाद स्पष्ट है कि कोर्ट के बाहर अभ्यर्थियों का जो संघर्ष है वो जारी तो है, लेकिन कोर्ट के बाहर उम्मीद थोड़ी कम है। कोर्ट से ही जो भी होगा वो कोर्ट से ही होगा। हालांकि कोर्ट के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा कोशिश की जा रही है कि अब कोर्ट पर सरकार द्वारा मजबूती से पक्ष रखा जाए और 13 तारीख से पहले अपना प्रपोजल तैयार करके इन 800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति संबंध में काम किया जाए, जिसको लेकर विभागीय मीटिंग भी चालू है। और 13 तारीख से पहले हो सकता है कोई ना कोई रास्ता निकाल करके विभाग जो है अपना प्रपोजल तैयार कर ले और इन 800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति के संबंध में काम करें। तो दोस्तों आप लोग परेशान ना हो, विभाग काम कर रहा है। लेकिन जो आज का बयान आया है माननीय ओ पी रावत द्वारा, तो उससे ये स्पष्ट है कि विभाग जो है कोर्ट के बाहर फिलहाल नियुक्ति के संबंध में यहाँ पर जो है थोड़ा कम सोच रहा है और कोर्ट के बाहर नियुक्ति की थोड़ी संभावना भी कम है, क्योंकि जो मैटर है वो कोर्ट में, इसलिए यहाँ पर कोर्ट से ही इसका रास्ता निकलेगा। ठीक है, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि हम अपना जो पक्ष है वो प्रमुखता से रखेंगे और इन 800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का काम करेंगे। ठीक है, तो जो सुनवाई होने वाली 13 तारीख को वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें जो होगा आपको हम जानकारी दे देंगे। आप लास्ट में वीडियो देख सकते हैं। सर इसमें एक चीज और हुई है, अभी 26 तारीख को कोर्ट में सुनवाई हुई तो जज ने बोला था कि आप जनरल अभ्यर्थियों को बाहर कर दीजिए, इनको अंदर कर दीजिए, तो सरकार ने आपकी तरफ से बोला गया है। देखो, हम मिले मुख्यमंत्री को पूरी बात बताए, मुख्यमंत्री ने कहा कि वो अपने वकील को, जितने लोग वहाँ अपील किए हैं वो अपने अपने वकील को ले लें। हमारा जो वकील है सरकारी, जो प्रदेश को देखता है, उसको ले, उसके साथ बैठ करके तय कर लें। तय करने के बाद अगर लोगों को समझ में आता कि इसका निराकरण जो